2019 की तैयारी उत्तर प्रदेश से शुरू करके मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संत कबीर नगर में जिस तरीके से आज उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया, मतलब ये साफ है कि दलितों की भी जरूरत इस समय भाजपा को आन पड़ी है। इसीलिए मोदी ये कहते हुए नजर आए कि कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके भड़कावे में ना आए। संत कबीर के गुणगान करते प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें उस मघर की हैं जहां संत कबीर ने अपने देह का त्याग किया। गुरुवार को संत कबीर के 620वें प्रकट्य दिवस के मौके पर मघर आए प्रधानमंत्री मोदी ने संत कबीर की महिमा का मंडन करते हुए कहा कि उन्हें यहां आकर संतोष प्राप्त हुआ है। जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मघर में कबीर अकादमी के मॉडल का भी दौरा किया और साथ ही संत कबीर अकादमी की आधारशिला भी रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वहीं पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मगहर के विकास को लेकर जो सपना कलाम जी ने देखा था उसे अब पूरा किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने विरोधियों पर निशाना साधने से नहीं चूके और उन्होंने सपा बसपा से लेकर कांग्रेस तक को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दलों को शांति और विकास नहीं, कलह और अशांति चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना असंतोष और अशांति का वातावरण बनाया जाएगा उतना ही राजनीतिक लाभ उन्हें मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे लोग जमीन से कट चुके हैं। बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की इस मगर यात्रा को लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत के तौर पर देख रही है। बहरहाल बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा।